गाइस अभी ये लोग 6 बजे से अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। मैं तो नहीं नहा रही, 7 बजे तक का। दो मछली पानी में गई चापा तो स्विमिंग में आती। और ये दो हैं जो बहुत तगड़े। ओ ठीक है, शायद फैमिली कॉटेज टाइप में, तो उसका आइडिया मुझे है नहीं। और यहाँ पे ना वेडिंग्स वगैरह भी होती है, बड़े बड़े सेलेब वगैरह जो होते हैं। बस ये रहो, कब खा लूं मैं, कब खा लूं, खा लूं खा लूं खा लूं खा लूं खा लूं। चिकन ही हम बेचने गरीब हैं, हम हमारी लिस्ट खत्म हो गई, नॉनवेज की लिस्ट, चिकन खत्म। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। वाओ मौसी उस साइड देखो, प्यारे से रिजॉर्ट में, बहुत सुंदर है यार ये। आहा हा हा यार, रात को स्टे के ले आओ, क्या मस्त है ना। लेकिन यहां पे क्या बना देते हैं क्या भैया? तो गाइज यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल वगैरह की सब बात करी थी, लेकिन पता नहीं भैया लोगों का अभी हो नहीं पा रहा, मिस मैनेजमेंट है थोड़ा। क्या बोल रहे हैं भैया वो स्विमिंग पूल का? गाइज अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में, वैसे तो ज्यादा लोग नहीं है ना, लेकिन है फिर भी। पागल है ये, देखो भाई बाबा जी आप प्लीज ना आ जाओ। तो गाइज अभी ये लोग 6 बजे से अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। मैं तो नहीं नहा रही, 7 बजे तक का इनके पास टाइम है। तो मौसम जाएंगे भी नथु वाला? होगा सब होगा। ओ भाई चलो जवानो। देखो जान के दो मछली पानी में गई चापा। तो गाइज ये तीसरी मछली पानी में गई चापा। डर रही गोलू से डुबाओ, गोलू जिया को डुबाओ, मिलके से कुछ जिया को डुबाओ। ठीक है ना, जाऊं उधर? चल सिद्धू तू यहाँ से तो मार ले। अरे डाइव वो तो मैं भी मार लेती हूँ, तो ऊपर आ जाएगा। सिद्धू को दे। अब यार नहीं आता था ना, तो ऐसा थोड़ी होता है। सिद्धू तू भी वही वाली बना। तो गाइस असली पट्टी हुई, सिद्धू को आता नहीं है तैरना, गोलू सिखा रहा है। तो गोलू के पास रहे ना, गोलू पे लटक जाइए हल्का सा। अरे फ्लोट कर हाँ बस। कह रहा मेरे पाँव नहीं, बस हाथ से भी ऐसे ऐसे कर आगे को, हाँ ऐसे पीछे को, हाँ छोड़ दिया तुमने, नहीं करना है अब। यहाँ तो तैर लेगा, नहीं पैर रख एक बारी। तो भाई अभी मौसी, मैं, मम्मी और मौसा जी जो है बाहर बैठे हुए हैं पूल पे, क्योंकि हम लोगों को नहाना नहीं है। मेरा भी मन नहीं है, फिर नहावा आके पूरे कपड़े चेंज करो, ऐसा मजा नहीं आता। हाँ लेकिन जब वहाँ जाओ वाटर पार्क वगैरह, वहाँ लाइन मतलब टाइम जो है ज्यादा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 घंटे का ही स्लॉट ले रखा है हम लोगों ने। तो ये लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं इंजॉय, मम्मी और वहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, और जिया को भाई तैरना नहीं आता, वो देखो। और मैं फिसली ना अभी यहाँ पे इतनी देर तक। तो गाइज ये दो जिनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, और ये दो हैं जो बहुत तगड़े। ओ आ मेरे को गीला कर दिया। तो गाइज यहाँ पे ऐसे पूरा लॉन वगैरह भी है, हाँ। और यहाँ पे आपका जो भी रेस्टोरेंट होगा, आई डोंट थिंक सो कि रेस्टोरेंट है, बट है थोड़ा सा सिटिंग का ही। और ये हट्स वगैरह बना रखे हैं, रूम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप रूम्स भी बुक कर सकते हो। और इस विला का या रिजॉर्ट का नाम है ग्रीन वैले, या फिर मैं अभी कन्फर्म्ड भी नहीं है, आप लोगों को ना अभी रीड करके बताऊँगी। तो यहाँ पे कॉटेज भी हैं, ये देखिए ये वाली हट्स, आप अलग अलग टाइप के जो है इनको बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक आपकी है कपल कैटेगरी, और एक है शायद फैमिली कॉटेज टाइप में, तो उसका आइडिया मुझे है नहीं। और यहाँ पे ना वेडिंग्स वगैरह भी होती है, बड़े बड़े सेलेब वगैरह जो होते हैं उनकी, और जो DID में होस्ट था उसकी वेडिंग भी यहीं पे हुई थी। अभी गोलू और फिलहाल वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना तुम लोगों को दिखाने आई थी पूरा। और देखो चारों तरफ कैसी ग्रीनरी है यार, यही सबसे अच्छा पार्ट लग रहा है मुझे इस प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे आप शाम को बैठ के पूरा अपना प्रॉपर इंजॉय कर सकते हो, अच्छा लुक लगा। और ये वाला मतलब आइडिया भी थोड़ा सा क्रिएटिव या इनोवेटिव सा लगा मुझे। तो अब हम आ
चुके हैं पूरी प्रॉपर्टी विजिट कर, मतलब इतनी प्रॉपर्टी है मौसी ये, या और होगी है ना, और होगी। तो अभी गोलूर के पास जा रहे हैं हम लोग वापस पूल में। मौसाई तो डायरेक्टर वाली कुर्सी लग रही है पूरी। ये लोग अपनी अपनी फोटो के लिए बोले जा रहे हैं, मैं मौसा जीरो की खींचती। तो भाई सब ये नहा वहा तो चुके हैं, लेकिन अभी इनका चल रहा है थोड़ा सा ड्रामा यहाँ पे। तो ये देखो पता है, ओ भाई पिचक गया गोलू, तेरा होगा कंधे में दर्द। अब रात हो रही है ना, जिया को मैंने पहली बार नीचे क्यों जा रहा, ये कुछ फ्लोट नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट होगी तब फ्लोट होगा, तेरी टांगे पूरी नीचे है। वो देखो गिर गया, ऐसी रही हो, कुछ नीचे है गोलू। ओ भाई कुछ भी बना ली भाई, पानी छू यार। तो गाइस फाइनली ये लोग जो है पूल से बाहर आ चुके हैं, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे, लड़के लोग तो लेते ही नहीं है, लड़के कितनी शरीफ सी होती है बेचारी, अपना नहा गए और सीधा फिर चलो भाई घर। और ये सारी पूरी आ रहे हैं सब लोग बाहर, और मौसा जी और अब हम लोग जो है, क्या हो गया मेरी जबान को, कभी कभी तेज बोलती हूँ तो पब्लिंग हो जाती है, तो इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं नानी और के घर। सब हम लोग पहुँच चुके हैं नानी और के यहाँ पे मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये देखो भाई जी नानी नमस्ते। अब दोबारा करना पड़ेगा, नहीं हो गया वैसे, ले लिया मैंने। लाइट तो चलो, पर बस तो जा रहे ने ये चली ना, ओ ये तो बड़े अच्छे लग रहे यार। तो गाइस अब मौसी केक कट करेगी, चलो कितना हल्ला मचाते हैं ये सब। चल भाई कर दे, ये लो फोटो में। अच्छा तेरी आवाज है, मैं करूँ इसमें कैसे आ रही है? हाँ फेंका अभी तो, फेंक ले फोन, फेंक रहा भैंसा। बस ये रहो, कब खा लूं मैं, कब खा लूं, खा लूं 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 खा लूं। हैप्पी बर्थडे भैया। तो गाइस खुशी ने दिया, ये तो मामी की तरफ से है गिफ्ट, थैंक यू बोलो। ये ले, आप दीदी ने मुझे कल ही दिया था, थैंक यू, वो भी हमने दिखाया था। ये खुशी तो बताया मौसी ने, वो पर्स शायद प्यारा लगा। मौसी तो सीरियस क्यों गए? तो गाइस यहाँ पे है वेज थाली और यहाँ पे है पूरे नॉन वेज वाले बंदे बैठे हैं, तो हम लोग खा रहे हैं नॉन वेज में चिकन, नॉनवेज में चिकन ही हम बेचने करीब हम, हमारी लिस्ट खत्म हो गई नॉनवेज की, चिकन खत्म। लोगों के बुफे में कितने सारे लगे नहीं होते, हम लोगों का लेकिन तो गाइस फटाफट से खाते हैं। और ये मैडम तो अभी तक बिजी है, पता नहीं क्या कर रही है, और ये पनीर भी नहीं खा रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही प्योर वेजिटेरियन हो गई है, तो पनीर भी नहीं खाना, पनीर खा के ये चिकन खा के नहीं।